9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 76 इलेक्टोरल वोट से हराकर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनते ही चारों तरफ खुशियां छा गई, यहां तक कि कमला हैरिस की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत कर कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कमला हैरिस है कौन, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर दावा ठोका कि आज उनकी कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में है। कमला हैरिस की माँ श्यामला गोपालन का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ। श्यामला 1960 में यूसी बर्कले आ गई। उसके बाद 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में कमला हैरिस का जन्म हुआ। श्यामला गोपालन के पति और कमला हैरिस के पिता का नाम डोनाल्ड जे हैरिस है। बता दें कि वो 1961 में पढ़ाई के लिए यूसी बर्कले आए। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश जमैका से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की उभरती नेता और राष्ट्रपति ट्रंप की मुखर आलोचक और पार्टी में हैरिस को फीमेल बराक ओबामा भी कहा जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कमला हैरिस के अब तक के सियासी सफर पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 7 नवंबर 2020 शनिवार को जो बाइडेन के साथ राष्ट्रपति पद की दौड़ जीतने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करने के बाद कई नामों को अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। वो पहली महिला, पहली अश्वेत, पहली भारतीय अमेरिकी और अमेरिका की पहली एशियाई उपराष्ट्रपति हैं। बता दें हैरिस को जो बाइडेन ने अगस्त में अपने चल रहे दोस्त के रूप में चुना था। अपने स्वयं के राष्ट्रपति के सपने निलंबित करने के महीनों बाद उन्होंने कहा कि उनके अभियान को जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी थी। वो प्रमुख पार्टी के टिकट पर चुनी जाने वाली तीसरी महिला उपाध्यक्ष थी। 56 साल की कैलिफोर्निया की सीनेटर सीनेट में 3 एशियाई अमेरिकियों में से एक हैं और वो चैम्बर में सेवा देने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले हैरिस कई फर्स्ट के लिए जानी जाती हैं। वो एक काउंटी जिला अटॉर्नी रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कमला हैरिस को बधाई देते हुए ट्वीट किया, आपकी सफलता सफल रही, चिट्ठी के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीय अमेरिकों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। बता दें कि तमिल में चिट्ठी का मतलब चाची होता है। कमला हैरिस की जीत पर भारत में खुशी की लहर थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिर्फ माता पिता ही नहीं, कमला हैरिस के दादाजी का संबंध भी भारत से है। कमला के दादाजी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे। हैरिस का जन्म 2 अप्रवासी माता पिता से हुआ था। उनके पिता अफ्रीकी अमेरिकी और माँ भारतीय महिला हैं। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका से थे और उनकी माँ श्यामला गोपालन एक कैंसर शोधकर्ता और चेन्नई के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। हालांकि वो खुद को बस अमेरिकी के रूप में परिभाषित करती हैं। उनके जीवन में माँ का प्रबल प्रभाव है। कमला हैरिस के जन्म के 7 साल बाद डोनाल्ड हैरिस और श्यामला गोपालन का तलाक हो गया। तलाक के बाद माँ श्यामला गोपालन ने कमला हैरिस और उनकी छोटी बहन माया हैरिस का लालन पोषण किया। डोनाल्ड से तलाक के बाद श्यामला ने अश्वेत संस्कृति को अपनाया और अकेले ही दोनों बेटियों को पाला। हैरिस ने अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाया लेकिन एक गर्व से अफ्रीकी अमेरिकी जीवन जी रहे थे। कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा द ट्रुथ वी होल्ड में लिखा है कि मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि वो दो काली बेटियों की परवरिश कर रही है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी गोद ली हुई मातृभूमि माया और मुझे अश्वेत लड़कियों के रूप में देखेगी और वो ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित थी कि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कमला अक्सर अपनी माँ के साथ भारत की यात्रा पर जाती रही हैं। कमला हैरिस बचपन में भारत आई, उनके दादा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे और सरकारी अधिकारी भी रहे हैं। हैरिस ऑकलैंड में पैदा हुई और बर्कले में बड़ी हुई। माँ मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में शिक्षक रही। कमला 1998 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई, फिर उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। इसके बाद कमला ने सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ज्वाइन किया। यहाँ कमला हैरिस को करियर क्रिमिनल यूनिट का इंचार्ज बनाया गया था। फिर 2003 में कमला हैरिस को सिटी और सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चुना गया था। फिर कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल बनकर इतिहास में नाम दर्ज कराया। बता दें कि कमला हैरिस ने वकील डगलस एम फोस से शादी की है। कमला ने हार्वर्ड के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से हेस्टिंग्स में अपनी कानून की डिग्री हासिल की और अल्मेडा काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने ऑकलैंड में एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 1990 से 1998 के रूप में काम किया। वो 2003 में सैन फ्रांसिस्को के लिए शीर्ष अभियोजक बनी। 2010 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत व्यक्ति चुनी गई, जो अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में शीर्ष वकील थी। अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने लगभग 2 कार्यकालों में हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते सितारों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त की।
उन्हें 2017 में कैलिफोर्निया के जूनियर अमेरिकी सीनेटर के रूप में चुना गया था। हैरिस की बुक स्मार्ट ऑन क्राइम को आपराधिक पुनरावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए एक मॉडल माना जाता था। 2012 में हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक मेमोरेबल संबोधन दिया, जिससे उनकी राष्ट्रीय प्रोफाइल उभरी। 2 साल बाद कमला हैरिस ने वकील डगलस एम्फोस से शादी की, जो पिछले 6 सालों से वकालत कर रहे थे। वो 2 बच्चों एला और कोल की सौतेली माँ हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ने अमेरिकियों से काम शुरू करने के बाद नेटवर्क्स शुरू करने का आह्वान किया। कमला हैरिस ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके बाद वो लिखती हैं, ये चुनाव मेरे लिए या जो बाइडेन के लिए बहुत कुछ है। यह अमेरिका की आत्मा और इसकी लड़ाई के लिए हमारी इच्छा शक्ति के बारे में है। आगे हमारा बहुत काम है, आइए शुरू करते हैं। कमला हैरिस से जुड़ा नारियल का किस्सा भी बहुत मशहूर है, शायद ही आपने इसके बारे में पहले कभी सुना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा किस्सा। कमला हैरिस ने भारत से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया था। बात कुछ यूं थी कि भारतीय और अफ्रीकी मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस ने एक बार भारत में अपनी मौसी सरला गोपालन से कहा था कि वो उनके अच्छे भविष्य के लिए मंदिर में नारियल फोड़े। कमला उन दिनों चेन्नई में थी। जिस मंदिर में कमला ने नारियल फोड़ने को कहा था, वो बसंत नगर इलाके में समुद्र तट के पास था। कमला हैरिस की मौसी ने यहाँ 108 नारियल फोड़ने के लिए रखे थे। वो बताती हैं कि इसकी व्यवस्था करने में पूरा दिन लग गया था। आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस के काबिज होने पर तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित तुलासेंतीरामपुरम गांव में और पेंगानाडु गांव में जश्न मनाया गया। दरअसल हैरिस के नाना पीवी गोपालन पूर्व राजनयिक और तुलासेंतीरामपुरम गांव के निवासी थे। उनकी नानी राजम नजदीक के पेंगानाडु गाँव से है। बता दें कमला हैरिस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुने जाने वाली पहली गवार्ड महिला है और उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने की घोषणा की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 News को भी जरूर सब्सक्राइब करें।